दोस्तों आज हमारे पास टाटा जस्ट गाड़ी आया हुआ था। इसमें प्रॉब्लम ये था कि हमारा ब्लोअर फैन का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर काम नहीं कर रहा था। सिर्फ 4 नंबर में हमारा ब्लोअर फैन काम कर रहा था। और एसी चलाने के लिए ब्लोअर फैन को 4 नंबर पे रख के ही हमारा एसी चलाना पड़ रहा था। इस तरह का प्रॉब्लम रेजिस्टेंट का वजह से होता है। दोस्तों जब 1 नंबर देते हैं तो हमारा जो करेंट होता है वो रेजिस्टेंट ज़्यादा अमाउंट में रोकता है करेंट को, और 2 नंबर में उससे कम अमाउंट में रोकता है तो हमारा फ़ैन थोड़ा उससे स्पीड 1 नंबर से ज़्यादा स्पीड चलता है, और 3 नंबर में उससे भी कम अमाउंट में हमारा रेजिस्टेंट करेंट को रोकता है इसलिए थोड़ा और स्पीड में चलता है, और 4 नंबर में हमारा जो रेजिस्टेंट उसका कोई काम नहीं रहता है, रेजिस्टेंट का कोई काम नहीं रहता इसलिए हमारा जो फ़ैन होता है वो फुल स्पीड में चलता है। तो रेजिस्टेंट समझ लिया करेंट को रोकने का काम करता है ताकि हमारे तीन चार किस्म का हवा का स्पीड मिल सके। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हमारे गाड़ी में आता है तो पहले हमें रेजिस्टेंट को खोल के रेजिस्टेंट को चेक करना चाहिए। ये हमारा रेजिस्टेंट है, ब्लोअर फैन का रेजिस्टेंट। अब इस रेजिस्टेंट को हमने बाहर निकाला, स्क्रू खोल के इस रेजिस्टेंट को बाहर निकाला और हमने चेक किया तो हमारा रेजिस्टेंट ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंट ठीक होने के बावजूद भी हमारा ब्लोअर फैन का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर काम नहीं कर रहा था। उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंट में जो जैक जाता है उस जैक को हमने देखा तो हमारा जो रेजिस्टेंट का जो जैक है वो जला हुआ था। इस जैक के जल जाने की वजह से हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा था कि ब्लोअर फैन का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर इंगेज नहीं हो रहा था। इस तरह का प्रॉब्लम गाड़ी में उसी वक्त आता है जब हमारा जो ब्लोअर फैन का रेजिस्टेंट होता है वो रेजिस्टेंट ख़राब हो जाता है, तभी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है। लेकिन टाटा जेस्ट और टाटा बोल्ट में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि हमारा ब्लोअर फैन का रेजिस्टेंट ठीक होता है लेकिन उसका जो जैक होता है वो जैक अक्सर जल जाता है, और जैक जल जाने की वजह से हमारा ब्लोअर फैन का 1 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर ये सब काम नहीं करता है। ये हमारा रेजिस्टेंट का नया जैक है, इसी जैक को हमें गाड़ी में लगाना है। ये जैक हमारा ब्लोअर फैन का जो रेजिस्टेंट है उसी रेजिस्टेंट में हमारा ये जैक जाता है। उसके बाद हम अपने गाड़ी में इस जैक को लगाते हैं। इस जैक में हमारा 4 वायर है और 4 वायर को उसी हिसाब से लगाना है जैसे हमारा पुराना वाला जो जैक था उसमें लगा हुआ था, तो वायर का कलर कोड मैच करके हमें उसी जगह पर लगाना है। अगर ये वायर इधर उधर हो जाता है तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह के आएगा कि हमारा 2 नंबर में 3 नंबर का स्पीड आएगा और 3 नंबर में 1 नंबर का स्पीड, कुछ इस तरह का हमारा प्रॉब्लम आएगा। तो ये हमारा पुराना जैक है और इस जैक के जलने की वजह से ये हमारा प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद हमारा ब्लोअर फैन का जो रेजिस्टेंट होता है उस रेजिस्टेंट को हम लगा देते हैं। रेजिस्टेंट में हमारा 2 स्क्रू होता है, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। दोनों स्क्रू को लगाने के बाद हमें अच्छे तरीके से हमें इस रेजिस्टेंट को टाइट देना है। रेजिस्टेंट को लगा देने के बाद हमारा रेजिस्टेंट का जो नया जैक था उस नया जैक को हम इसमें लगा देते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादातर गाड़ी में उसी वक्त आता है जब हमारा रेजिस्टेंट ख़राब हो जाता है, लेकिन टाटा जेस, टाटा बोल्ट और टाटा विस्टा इस तरह का गाड़ी में हमारा जो रेजिस्टेंट ठीक होता है लेकिन हमारा रेजिस्टेंट का जो जैक होता है वो जैक जल जाता है जिसकी वजह से हमारा कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये प्रॉब्लम आपके गाड़ी में इस रेजिस्टेंट के ख़राब होने से भी आ सकता है। लेकिन अगर आपके गाड़ी में बार बार ऐसा होता है कि हमारा जो रेजिस्टेंट का जो जैक होता है वो जैक जल जाता है, उस कंडीशन में रेजिस्टेंट का जैक के साथ साथ रेजिस्टेंट को भी चेंज कर देना सही होता है, क्योंकि इसी रेजिस्टेंट की वजह से हमारा ब्लोअर फैन का जो जैक है वो बार बार जल रहा है। तो अगर आपके गाड़ी में बार बार कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि आपका ब्लोअर फैन का रेजिस्टेंट का जैक जल जा रहा है, उस कंडीशन में जैक के साथ साथ इस रेजिस्टेंट को भी ज़रूर चेंज कराए। तो हमारा जो प्रॉब्लम था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये काम नहीं कर रहा था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और हर एक स्टेप में हमारा हवा अब आता है, 1 नंबर में भी हवा दे रहा है और 3 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। तो उस जैक की वजह से हमारा इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रहा था जैक को जल जाने की वजह से। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।